नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ाने आई हूँ वो एक प्रायोगिक प्रैक्टिकल है PGDGMC का, जिसके लिए सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कि मैम इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, हमारे काउंसलर्स हेल्प नहीं कर पा रहे हैं या हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते थे और PGDGMC का जो प्रैक्टिकल कार्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम सत्र का सबसे आखिरी पेपर है, इसलिए इसके अंक ना चढ़ने पर आपको बहुत दिक्कत का सामना होता है। तो उसी दिक्कत से बचने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि जितने भी कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, टीचर्स हैं या बच्चे हैं, सभी कंफ्यूज रहते हैं कि मैम इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने जहाँ पे PGDGMC के असाइनमेंट डाले हुए हैं उसी के साथ में हमने इसको भी डिटेल से लिख दिया है कि बच्चों को क्या और कैसे करना है। इसमें हमने आपको 15 टॉपिक दिए हुए हैं, उन 15 टॉपिक्स में से किसी भी 5 विषय पर आपको लिख के 3 सेट की फाइल बना के उसका एक कवर पेज लगा के इंडेक्स करके अपने सेंटर पे जो आपको डेट दी जाती है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल डेट अनाउंस होती है, जैसे थ्योरी के एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो जिस दिन आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है उस दिन आपको आके इसके बारे में फाइल जो भी आपने बनाई है आप वो फाइल लेके आएंगे, उसके 3 सेट में उसको जमा करेंगे और उसके बाद उस पर आपका आकलन और वाइवा मूल्यांकन सारी चीज़ें होंगी। इसमें आपको अब करना क्या क्या है ये मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि जब भी बात होती है फ़ोन पे आप लोग बहुत प्रश्न पूछते हो, इसलिए मुझे लगा कि इस पेपर को जो 107 पेपर है PGDGMC का प्रायोगिक कार्य का, इसके बारे में मुझे एक आपको विस्तार से वीडियो बना के बता देना चाहिए कि आपको क्या करना है। समाचार 2 कॉलम की 1 न्यूज़, 3 कॉलम की 2 न्यूज़। अब आप लोग बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैम समाचार 2 कॉलम और 3 कॉलम क्या होता है। तो अगर मैं आपको ये न्यूज़पेपर दिखाना चाहूँ, अगर आप ये न्यूज़पेपर देख रहे होंगे तो ये अगर ये 2 पार्ट में लिखा है तो 2 कॉलम की न्यूज़ है, अगर ये 1 पार्ट में जा रही है तो 1 कॉलम की न्यूज़ है, 1, 2, 3, 4, अगर इसमें 3 कॉर्ने जा रहे हैं तो ये 4 कॉलम की न्यूज़ है, अगर 3 जा रहे हैं तो 3 कॉलम की है, 4 जा रहे हैं तो 4 कॉलम की है, 2 जा रहे हैं तो 2 कॉलम की है, 1 उसमें जा रहा है तो 1 कॉलम की है। जो न्यूज़ ऐसे दी हुई है बॉक्स में है, ये इसकी हेडिंग है। तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी, पहले तो आपको बताना है उसमें कि समाचार क्या होते हैं थोड़ा इंट्रो लिखने के बाद, फिर कोई भी काल्पनिक समाचार या तो आप किसी न्यूज़पेपर की कटिंग से भी ले सकते हैं, एक उसकी कटिंग चिपकाने के बाद उसके साथ में आप कोई भी 1-2 कॉलम का काल्पनिक समाचार, साथ में 3 कॉलम के 2 समाचार। अगर आप पहला टॉपिक चुनते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें आपको 3 चीज़ें देनी हैं, 1 देने से काम नहीं बनेगा। फिर अगर आप दूसरा टॉपिक चुनते हैं तो इसमें आपको किसी भी एक समाचार का फॉलोअप देना होगा। फॉलोअप का क्या मतलब होता है आप सब समझ लीजिए, जैसे कि कोई समाचार घट गया, कोई भी घटना घट गई, अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, बस खाई में गिर गई, तो बस का खाई में गिरना एक न्यूज़ है, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन जो उसके साथ घटना घटी उस खबर का क्या फॉलोअप हुआ, उनको अस्पताल में पहुंचाया गया, परिजन से मिले, या अभी जो हमले चल रहे हैं इसराइल और जो युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी वाला, उसमें हमला होना न्यूज़ थी, लेकिन अब भारतीयों को वापस भारत लाया जा रहा है, तो उस न्यूज़ का फॉलोअप है। तो ऐसे कई सारी घटनाएं घटती हैं, कई सारी खबरें घटती हैं, तो उसमें से किसी भी एक न्यूज़ को आप बताते हैं उसका फॉलोअप लिखते हैं। तीसरा समाचार विश्लेषण, यानी कि किसी भी समाचार में जब आप पढ़ेंगे, अब तक आप 7वें पेपर में आ चुके हैं तो आप समझ चुके होंगे कि 5W+1H क्या होता है। जिन विद्यार्थियों को कोई कन्फ्यूज़न उनके लिए मैं ये बता दूं कि 5W+1H का मतलब होता है कि आपको उस खबर में से ये छांटना है कि घटना में कौन सा H कहाँ पे था और W कहाँ पे था, यानी कि हु कौन है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, इन सारी चीज़ों को उस न्यूज़ को लिखने के बाद आपको W के आगे W, हु के आगे कौन, क्या के आगे क्या घटा, कैसे घटा, ये सारी चीज़ें आपको विश्लेषित करनी है। आप चाहें तो कोई लेख भी लिख के दे सकते हैं किसी भी विषय पे। आपने देखा होगा जो संपादकीय पृष्ठ होते हैं पेपरों के, उसके बीच में जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं, लेख लिखे होते हैं, लेख की खास बात क्या होती है, तत्वपरक होते हैं, इसमें आप कल्पनाओं का समावेश नहीं कर सकते और भाषा गंभीर होती है। वो 750 शब्दों का आप लिख सकते हैं, फीचर लिख सकते हैं। फीचर का मतलब क्या होता है कि वो भी आपको चीज़ों को समराइज करके बताता है, जैसे संगनी में आ रहा है या किसी मैगजीन में छप रहा है, न्यूज़ पेपर छप रहे हैं, पर इनकी भाषा थोड़ी सी सरल होती है, आप मुहावरे या लच्छेदार भाषाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे होली के रंग, दिल की बतिया, करे चिट्ठियाँ, ऐसा कोई आपने टॉपिक उठा लिया, वैलेंटाइन डे पे कुछ आप लिखना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप फीचर पे लिख सकते हैं, मौसम के ऊपर लिखना चाह रहे हैं और दिवाली में पटाखों का शोर, कुछ ऐसा टॉपिक ले रहे हैं आप तो आप उसको फीचर में लिख सकते हैं। संपादकीय आप जानते हैं,
क्या होती है, संपादक के नाम पत्र क्या होते हैं, न्यूज स्क्रिप्ट अगर आप लेना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। आपको टेलीविजन की एक न्यूज स्क्रिप्ट बना के देनी होगी, रेडियो की दूसरी रेडियो स्क्रिप्ट बना के देनी होगी, विज्ञापन कॉपी आप बना के दे सकते हैं, चाहे टीवी के बनाए चाहे न्यूज पे। विज्ञापन कॉपी यानी कि विज्ञापन, उसमें स्लोगन कहाँ पे लगेगा, पंचलाइन कहाँ पे लगेगी, टेलीविजन के बना रहे तो उसका स्टोरी बोर्ड कैसे होगा, उसका क्यू कमांड सिस्टम कैसे होगा, सारी चीजें आप लिखित रूप से जमा कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी विश्वविद्यालय की दो वेबसाइट यानी किसी दो विश्वविद्यालय की वेबसाइट का पूरा विश्लेषण करके भी लिख सकते हैं कि वह वेबसाइट कैसी है, क्या है, फिल्म समीक्षा जो भी आपने नई देखी हो पुरानी देखी हो उसके बारे में लिख के दे सकते हैं, या किसी न्यूज़पेपर का लेआउट आप बना के दे सकते हैं। या फिर आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आपके थ्योरी में जो दो मॉडल दिए हुए हैं, सिद्धांत दिए हुए हैं संचार के, चाहे लॉसवेल का ले लीजिए, सैनन वीवर का ले लीजिए, विल्बर श्रेम का ले लीजिए, किन्हीं भी दो को आप लिख सकते हैं, या संपादक के नाम पत्र। अच्छा, पहले मैंने आपको संपादकीय बताई थी और एक संपादक के नाम पत्र होता है। इन दोनों में जो बारीक अंतर है, बहुत बार विद्यार्थी पूछते हैं कि दोनों क्या हैं, तो संपादक के नाम पत्र वो होता है जो एक आम जनता संपादक को लिखती है। जैसे हमारे यहाँ की रोड टूटी हुई है, हमारी परीक्षाएं समय से नहीं हो रही है, हमारे इलाके में बिजली नहीं है, जल जमाव की समस्या हो गई, जो आम जनता संपादक को चिट्ठी लिख रही है वो कहलाते हैं संपादक के नाम पत्र। और जो किसी समाचार पत्र का संपादक अपनी नज़र से किसी प्रासंगिक घटना के ऊपर अपने विचार को लिखता है वो कहलाती है समाचार के संपादकीय। तो 107 पेपर जो कि प्रायोगिक कार्य का पेपर है PGDGMC का, इसके लिए आपको इन 15 टॉपिक्स में से किसी भी 5 विषय पे लिखना होगा, उसको टाइप कराना होगा, उसके 3 सेट रखने होंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप हमेशा एक तरफ लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि बैक साइड पे भी लिखते हैं इधर भी लिखते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा थोड़ा स्पेस छोड़ के और वन साइड ही लिखते हैं पत्रकारिता में। तो आपको एक ऐसी फाइल तैयार करनी होगी, उसकी एक इंडेक्स बनानी होगी, उसका कवर पेज बनाना होगा जिसमें आपको अपनी पूरा व्यक्तिगत विवरण, सन, सत्र, कोर्स का नाम, सारे डिटेल के साथ आपके प्रैक्टिकल 5 के 3 सेट जमा करेंगे। वो भी कब, जब आपके प्रैक्टिकल की डेट अनाउंस होगी। और इसके जो आपकी ये सारी डिटेल्स मैंने बता दिया, अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है या कोई बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो आप व्यक्तिगत रूप से आके मुझसे विभाग में मिल सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में बैठती हूँ 10 से 5 ऑफिशियल टाइम में। आप कभी भी आके संपर्क कर सकते हैं या आप वेबसाइट से नंबर लेके फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। आप किसी भी सेंटर के हों, अगर आपको कोई समस्या आ रही है ये प्रैक्टिकल फाइल बनाने में, ये प्रायोगिक कार्य करने में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरी यथासंभव सहायता दूंगी या यथासंभव आपको बताऊंगी कि आप कैसे किसी चीज़ों को करें। लेकिन मेरा एक अनुरोध है आपसे, भले आपको 5 टॉपिक पे काम करके ये 3 प्रतियों में जमा करना है, लेकिन आपको जानकारी पूरे 15 विषयों की होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फील्ड में उतरते हैं तब आपसे डिग्रियों के साथ साथ आपसे व्यवहारिक ज्ञान पूछा जाता है। अगर आपको टीवी स्क्रिप्ट और रेडियो स्क्रिप्ट में अंतर नहीं पता है, अगर आपको टेलीविज़न न्यूज़ और प्रिंट न्यूज़ में बारीकियों का अंतर नहीं पता है, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि हमें कैसे और क्या कार्य करना है, हमें कैसे खबरों को बनाना है, कैसे रचनात्मक खबरें लिखनी है, कैसे हमें दुख वाली खबर को संयमित तरीके से लिखना है, उन सारी चीज़ों को आप नहीं कर पाएंगे तब तक आप अच्छे से इस कोर्स को करने का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये पेपर पूरा प्रैक्टिकल पेपर है और ये पेपर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक पेपर है। तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी जानकारियाँ दे दी हैं। फिर भी अगर आपको कुछ अधूरापन लगे या आप कुछ जानना चाहें तो आपका स्वागत है। आज के लिए ही बस इतना ही। फिर मैं वही बात कहूँगी कि हमेशा धैर्य से पढ़िए, उसको सीखिए। पढ़ना लिखना, ज्ञान, सूचना और समय का सही आकलन, ये एक पत्रकारिता के विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रायोगिक कार्य करते हैं तो आपको समय भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये समय ही प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आपको ये पता चलता है कि किस स्थान पर कौन सी खबर छपी है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समय का बहुत महत्व है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। आपके साथ शुभकामनाएँ हैं, तब तक के लिए नमस्कार।